नमस्कार सर, यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मोदी काल में देश की संस्कृति, सभ्यता व परंपरा का पुनर्जन्म हुआ। अनिल राजभर। मिर्जापुर जनपद के प्रसिद्ध विद्याचल मंदिर में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर दर्शन पूजन किए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश की संस्कृति, सभ्यता व परंपरा का पुनर्जन्म हुआ। उक्त बातें माँ विंध्यवासिनी दर्शन के लिए आए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दर्शन के पूर्व होटल रत्नाकर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा। मंत्री ने बताया कि विंध्य कॉरिडोर से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक तमाम बड़ी धार्मिक योजनाओं को मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कुशलता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। इन योजनाओं ने देश ही नहीं संपूर्ण विश्व के पर्यटकों और श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। अभी प्रयागराज हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इन मुद्दों पर भविष्य में हमारी कार्ययोजना क्रियान्वित है। हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते। तमाम विपक्षी दलों ने महज राजनीतिक फायदे के लिए दशकों से देश की जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। भाजपा शासनकाल में संपन्न हुए कार्यों को सदियों भुलाया नहीं जा सकता। अपने कार्यों के बल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव विगत नतीजों के मुकाबले अधिक सीटों पर विजय के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। बातचीत के पश्चात उन्होंने मां विंध्यवासिनी का विधिवत दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन का समस्त कार्य नगर विधायक व वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित रत्नाकर मिश्रा ने संपन्न कराया। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर शैलेश त्रिपाठी और तहसीलदार सदर सुनील भास्कर इत्यादि उपस्थित रहे। सत्यात्रा न्यूज से अशोक शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। माँ हम लोगों को शक्ति दे, ताकत दे। जिस तरह से देश की संस्कृति और परंपराओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित कर रही है, ये काम आगे भी चलता रहे। खुशी है कि आज योगी जी की सरकार ने बनारस के अंदर, काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, विंध्य धाम में माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर, और अभी माननीय न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने अभी ज्ञानवापी पर एक फैसला सुरक्षित रखा है। 9 तारीख को उसका परिणाम आना है। फैसला हाई कोर्ट सुनाने जा रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जनभावनाओं का ख्याल रखते हुए वो फैसला आएगा, तो आगे और भी काम करने का हम लोगों को मौका मिले। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करे। अपनी पहचान के लिए, भारत की माटी की पहचान के लिए हम काम करते रहें, ऐसी वंदना, ऐसी कामना हम माँ के चरणों में करना चाहेंगे। सहयोगी पार्टियां चाह रहे कि जातिगत जनगणना हो, भाजपा का क्या? देखिए, खुला प्लेटफार्म है, उचित मंच बात कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा उपलब्ध कराती है। अगर हमारे सहयोगी किसी साथी को आवश्यकता है, उसके उचित प्लेटफार्म बनाए गए हैं, वहाँ वो अपनी बात करें। जहाँ तक जातिगत जनगणना की बात है, ये अंग्रेजों के ज़माने में देश में हुआ करती थी। आज़ाद हिंदुस्तान में तो कभी हुई नहीं, गुलाम भारत में हुआ करती थी। वो हमारा उदाहरण नहीं बन सकता, हम उसका अनुसरण नहीं कर सकते। उनका तो यही काम था कि फूट डालो, राज करो, धर्म के आधार पर बांट दो देश को, जाति के आधार पर देश को बांट दो, तो उस रास्ते पर हम नहीं चल सकते। सब विकल्प हमारे पास खुला है। आज हमारे पिछड़े वर्ग में पैदा होने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में सत्ता है देश की। जो भी आवश्यकता होगी वो करेंगे, ऐसा देश के पिछड़ों का, गरीबों का, दलितों का, सारे वर्ग के लोगों का भरोसा है। इन बातों में अब हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज देश आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसी प्रकार का कोई हम लोगों को दुविधा नहीं है, देश के गरीबों को कोई दुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम लोग तो ये लाइन बनाना चाहते हैं और इसी पर चलना चाहते हैं। बसपा इसमें ब्राह्मण रैली और ब्राह्मण एकता लेकर के कार्य कर रही है, तो भाजपा क्या करे ब्राह्मणों के? इस तरह की देखिए बातों में कोई भरोसा नहीं है। और जो वर्ग इस देश का सबसे प्रबुद्ध वर्ग है, क्या वो नहीं समझ रहा है कि 2007 में हमको इस्तेमाल किस तरह से किया गया, और 2007 के बाद किस तरह से ब्राह्मण वर्ग पर किस तरह से अत्याचार किया मायावती जी की सरकार ने? ये कोई भूला नहीं है, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं।
ये किसी भी प्रकार का प्रयास कर ले, मैं सच कह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी की नेता अपने राजनैतिक अस्तित्व को बचाने का एक कुत्सित प्रयास कर रही हैं। ये आखिरी चुनाव उनका है। अब इस चुनाव के बाद आप देखिएगा बहुजन समाज पार्टी कहाँ गई।